पापा दो रोटी खाएंगे, पापा से को तो एक ही खा लो। हे गाइस, देखिए आज आपके लिए बिल्कुल न्यू ब्लॉग लाई हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये ब्लॉग इसलिए लाई हूँ कि किसी को मोटिवेट कर सकूँ। तो ये है गृह उद्योग का एक साधन, ये है आटा चक्की जो कि आप गृह उद्योग के लिए यूज़ कर सकती हैं। कोई भी लेडीज़ अपना घर में अगर काम शुरू करना चाहती है तो मैंने इसी वजह से ये वीडियो बनाया है। तो ऊपर से ये गेहूँ डालते हैं और इस साइड से जो कपड़े का देख रही हैं आप, इससे आटा इसमें पीस करके ये बोरे में या किसी बर्तन में आ जाता है। तो ये काफ़ी थिक कपड़ा है और बहुत अच्छे से पिसता भी बहुत महीन है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है आटा पिसा हुआ, ये है देखिए, ये गेहूँ है, ये भी पिसेगा। तो ये लाइट से चलती है मशीन और ये भी गेहूँ है, तो ये भी सब पीसेंगे। तो ये दिन भर में कई बार, और ये है तराजू जिसे तौलते हैं, और ये है मेरी चाची जो कि ये गृह उद्योग को चलाती हैं और बहुत हैप्पी हैं जब से इन्होंने ये स्टार्ट किया है। एक तो ये इंगेज रहती हैं, दूसरे इनके पास चार पैसे भी रहते हैं। तो इस तरह का गृह उद्योग आप लोग भी कर सकते हैं। ये सेटअप मुश्किल से 60,000 रुपये से स्टार्ट होगा, पूरा सेटअप बैठ जाएगा आपका 60,000 में। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो इसमें सभी कुछ लिखा हुआ है कि सारे मसाले, चने की दाल, आटा, गेहूँ सब पीस सकते हैं आप इसमें ड्राई। तो ये देखिए, तो ये देखिए इसमें गेहूँ डालते हैं और गेहूँ नीचे से पीस करके इस मशीन से इस तरह से यहाँ से, ये देखिए कपड़ा है मोटा, इसी से होता हुआ ये देखिए बोरे में जा रहा है। तो बहुत अच्छे से आटा पीस भी जाता है, ये देखिए कितना महीन। तो ये देखिए कितना महीन आटा पीसता है। तो इस तरह से ये आटा पीसा जाता है। तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ कि कैसे आटा पीसता है। तो ये देखिए पूरा रिव्यू है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। तो ये छोटी सी घर में आप चक्की खोल सकते हैं इस तरह से। तो ये घर में ही है, तो एक रूम में एक कोने में आप छोटी सी मशीन लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी होती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटू सा वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ये छोटू सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये मशीन करीब करीब के करीब पूरी कंप्लीट जो है 60,000 रुपये के करीब आती है। गृह उद्योग कर सकते हैं आप लोग। तो ये घर में आप छोटा सा उद्योग कर सकते हैं। लेडीज़ हैं, कुछ भी है, घर पे रहती हैं तो उनको करना है तो इस तरह से कर सकते हैं आप। तो इसमें हर तरह का अनाज आप पीस सकते हैं, मसाले हैं, जौ है, बाजरा है, गेहूँ है, चने हैं, ये सब आप इसमें पीस सकते हैं। और चलिए चलते हैं तो दिखाते हैं आपको। इस तरह के स्टंडे भी आप लगा सकते हैं जिसे लिखा है गुट्टा आटा चक्की गृह उद्योग, इसमें आप रेट लिखकर लगा सकते हैं। तो चलिए घर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज डिनर में बनाया है कुंदरू की सब्जी है आज, और ये देखिए सलाद कटा हुआ रखा है, प्याज छोटा और लच्छे वाला, देखिए राइस है, राइस बना लिया है। अब रोटियां सेकनी है, बस रोटियां रह गई हैं। तो चलते हैं रोटी भी सेक लेते हैं, सबको डिनर खिला देते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है आज। तो चलिए खाना भी, रोटी भी सेक लेते हैं और सबको फटाफट से खिलाते हैं। तो ये कुंदरू की सब्ज़ी है, बहुत सारे लोग खाते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे घर में सभी लोग खा लेते हैं। तो चलिए रोटियों को भी सेक लेते हैं। तो मैंने तवा चढ़ा दिया है, तो चलिए रोटियों को भी बना लेते हैं तब खाना लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रोटियों को भी सेक लेते हैं। कौन खाएगा खाना? मैंने खाई। पापा भी। अच्छा, और कौन खाएगा? कितनी रोटी खाओगी? क्या रोटी खाओगी? हैं? दो रोटी खाओगी? दीदी दो रोटी खाएगी और तुम कितनी खाओगी? दो रोटी खाओगी और बाबा क्या रोटी खाएंगे?
बाबा भी दो रोटी खाएंगे और पापा जी कितनी खाएंगे? पूछ क्या हो? ये चल दी है कितनी दो पापा, पापा दो रोटी खाएंगे, पापा से कहो एक ही खा लो, कहो एक ही खाना। फिर से भाई फिर से आएगी दौड़ती हुई। क्या हुआ क्या हुआ हैं? इधर आके बताओ क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं? क्या हूँ चलिए फटाफट से रोटी से। यहाँ पे रोटियां भी बना ली है और ये प्लेटफॉर्म भी साफ कर दिया है। चलिए प्लेटफॉर्म साफ हो गया है, अब हम थोड़ी देर में खाना भी लगा देंगे क्योंकि खाना गरम गरम है, 9:30 बज चुका है, सभी खाना भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने खाना तो रेडी कर लिया है, डिनर रेडी है, तो आ जाइए आप लोग भी डिनर खा लीजिए। तो मैंने डिनर में बनाया है, देखिए तो देखिए मैंने बना लिया है, सलाद है, चावल है और ये देखिए मैंने दाल बनाई है। तो ये देखिए दाल है, फ्राई कर चुकी हूँ और ये है कुंदरू की सब्जी, हल्की सी रसे की है, सूखी नहीं है वरना रोटी खाने में दिक्कत होती है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, तो आ जाइए जिसको जिसको डिनर करना है। सो फ्रेंड्स चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, सभी को खाना खिला देते हैं, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। तो चलिए खाना दे देते हैं, मिलते हैं अच्छे से न्यूज़ ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।